नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था महेश भट्ट ने और इस फिल्म के निर्माता थे मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव। दोस्तों, उन दिनों अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव के कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि कुमार गौरव की कई सारी फिल्में एक के बाद एक पिट रही थीं। और उधर अभिनेता संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज के बाद उन्होंने जितनी सारी फिल्में की वह सारी फिल्में भी पिट रही थीं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अभिनेता राजेंद्र कुमार ने एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान किया और निर्माता के तौर पर उन्होंने अपने बेटे और एक्टर कुमार गौरव का नाम आगे किया। दोस्तों, नाम फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी। दोस्तों, ये वही सलीम खान हैं जिनकी सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फिल्म इंडस्ट्री को इससे पहले एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं। कई सालों तक एक साथ काम करने के बाद आपसी मतभेद को लेकर यह दोनों अलग हो गए और इस तरह से इस फिल्म इंडस्ट्री में सलीम जावेद के नाम से मशहूर जोड़ी टूट गई। दोस्तों, सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद यह नाम फिल्म सलीम खान के द्वारा लिखी गई पहली फिल्म थी। दोस्तों, इस फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे संजय दत्त, कुमार गौरव, नूतन, अमृता सिंह, परेश रावल इत्यादि। दोस्तों, यह नाम फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और यह फिल्म इतनी ज़बरदस्त हिट रही कि यह फिल्म करीब एक साल तक चलती रही। उस जमाने में इस फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और दोस्तों, इस फिल्म के सभी गानों के अलावा चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है यह गाना बहुत ही मशहूर रहा और दूसरा गाना तू कल चला जाएगा यह गाना भी काफ़ी पॉपुलर रहा। दोस्तों, चिट्ठी आई है गाना इसे पंकज उदास ने गाया था। दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई तो चिट्ठी आई है यह गाना सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी उतनी ही पॉपुलर रही। और इस फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि नाम फिल्म की कहानी तो अच्छी थी ही, लेकिन इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में चिट्ठी आई है गाने का एक अहम योगदान रहा है। दोस्तों, यह नाम फिल्म संजय दत्त के लिए उनके फिल्मी करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी और इस फिल्म के रिलीज़ के बाद से वह काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इस फिल्म के बाद से ही उन्होंने कई सारी फिल्में साइन कर ली थी। हालांकि उनके जीजा और अभिनेता कुमार गौरव को इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, संजय दत्त इंडस्ट्री में छा गए और उनकी गाड़ी निकल पड़ी। धन्यवाद।